उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने बीजेपी को एंटी मुस्लिम कहा, योगी सरकार पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया, लेकिन सपा मुखिया के ये सारे पैंतरे फेल साबित हुए और बीजेपी की यूपी में वापसी हो गई। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। जनाब योगी आदित्यनाथ पर भी अपनी राय रखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार काम तो कर रही है, लेकिन अपने हिसाब से। सपा के वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि इस पार्टी ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। हालांकि फिर उन्होंने योगी को लेकर कहा, योगी सरकार मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। योगी काम तो कर रही है, लेकिन अपने हिसाब से। हम योगी के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब सपा के वरिष्ठ नेता बर्क ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वो अपने स्टेटमेंट्स की वजह से सुर्खियों में रही हैं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले उन्होंने कथित तौर पर तालिबान की तरफदारी कर दी थी। उन्होंने कहा था, तालिबान एक ताकत है और उसने अफगानिस्तान में अमेरिका के पांव नहीं जमने दिए। तालिबान अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। एक बार फिर बर्क का विवादित बयान सामने आया तो सियासी गलियारों में शोर मचना तय है। फिलहाल सपा के किसी नेता की तरफ से कोई पलटवार तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ, इस पर रिएक्शन आना तय माना जा रहा है। बहरहाल आपको बताते चलें कि यूपी चुनावों में विपक्ष ने बीजेपी को कई मोर्चे पर घेरने की कोशिश की थी, लेकिन वो तमाम मुद्दे बीजेपी के पक्ष में ही गए, लिहाजा पार्टी को बहुमत मिला और जीत हुई। बहरहाल सपा सांसद के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर।